ये भाई फुल ठेले वाले दिख रहे हैं, घंटी बजा के आइसक्रीम आइसक्रीम बेच रहे हैं, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बेच रहे हैं, फुल जूहू चौपाटी भाई। और अभी हम लोग जस्ट चेकआउट करके निकल चुके हैं हमारे एयरबीएनबी से। अगर आपको भी यहाँ पे कोई एयरबीएनबी चाहिए, सो दिस अ रियली गुड वन इन अ नाइस सेफ नेबरहुड, और कनेक्टिविटी भी काफ़ी सही है। सेंटा मोनिका इज़ लाइक 20 मिनट्स, यूएससी इज़ लाइक 15 मिनट्स, और सैन डिएगो भी 2 घंटे का ही ड्राइव है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लेटिंग नो अबाउट द एयरबीएनबी, देन मुझे बताइए, कमेंट करिए, और हम लोग लिंक पिन कर देंगे इस एयरबीएनबी का इफ़ यू वॉन्ट इट। ऑलराइट, अभी हम लोग निकल रहे हैं हमारे नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। आई थिंक द प्लान इज़ टू गो टू सेंटा मोनिका पियर इन द मॉर्निंग, सन में अच्छा व्यू आएगा, सो लेट्स गो देयर एंड सी यू गाइस देयर। ये है एले का डाउनटाउन, और नज़दीक से जैसा कि आप देख सकते हैं एले डाउनटाउन में भी काफ़ी टॉल बिल्डिंग्स है, स्काई स्क्रैपर्स है। और ये जो बिल्डिंग आप सामने अभी देख रहे हैं ऑन योर राइट, काइंड ऑफ एम्पायर स्टेट वाला स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का, पीडब्ल्यूसी की बिल्डिंग। उसके बाजू में जो बिल्डिंग है उसमें आई थिंक एलए स्काई टावर बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ नाम है उसका। उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट स्काई लैडर भी है, और क्या बोलते हैं उसको, स्काई स्लाइड। सो आई थिंक 85 या फिर 75 ऐसा कुछ टिकट है, टॉप फ्लोर पे जाके आप वो राइड एंजॉय कर सकते हो। आई थिंक 3 फ्लोर, एकदम टॉप फ्लोर से लेके थर्ड मोस्ट टॉप फ्लोर तक जाती है वो राइड। ऐसे स्लाइड जैसे होती है ना अपने पार्क में, वैसी है, लेकिन बस ट्रांसपेरेंट विंडोज के अकॉर्डिंग है। तो आप जब उसमें जाते हो तो आपको लगता है कि आप पूरा नीचे का व्यू देख सकते हो, स्लाइड एंजॉय करते हो। लेकिन मैं एक बार गया था, लेकिन टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव था, 85 वगैरह था। मैंने बोला भाई इतना वर्थ नहीं है करने लायक, लेकिन जिसको एब्सोल्युटली करना है दे कैन चेक दैट आउट। तो अभी हम चल रहे हैं ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी की तरफ। इधर की ड्राइव भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो देखते हैं आपको हम लोग क्या दिखा सकते हैं इस ड्राइव में। अभी है ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी पार्किंग ऑन दिस वे। जल्दी आ गए, आई थिंक ऑब्जर्वेटरी इतना जल्दी तो नहीं खुलती, लेकिन हॉलीवुड साइन तो देखने मिलेगा, और बाकी सारी चीज़ें जैसे व्यूज वो तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे, बस ऑब्जर्वेटरी के अंदर शायद जाने नहीं मिलेगा। सी वन वे रोड, यहाँ पे पार्किंग मिलेगी क्या अपने को? इधर लोगों ने साइड में ही पार्क करके खड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी आ गए हम ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के पास। मेरे पीछे जस्ट अभी मैंने गाड़ी पार्क की है, और मॉम डैड भी वॉक कर रहे ग्रिफिथ की तरफ। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू दिन में कैसा दिखता है। सो ऑब्वियसली नाम से पता चल गया होगा ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्वेटरी है, जहाँ पे शोज होते हैं स्पेस ऑब्जर्वेटरी के, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्टॉलेशंस दिख सकते हैं। लेकिन अभी 12 बजे खुलती है, अभी तो वो बंद है, लेकिन हम लोग को व्यूज़ और एले की स्काईलाइन तो देखने मिल सकती है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन 3, 2, 1। और ये रहा ऑब्वियसली हॉलीवुड साइन, जो कि आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में देखा ही होगा। हियर इट इज। आप पूरे साइन तक की भी हाइक कर सकते हो। हम लोग अभी हाइक नहीं कर रहे क्योंकि मॉम डैड माइट नॉट बी कंफर्टेबल विद इट, बट इधर से हॉलीवुड साइन का व्यू मिलता है अच्छा, और ऑब्वियसली
पूरा लॉस एंजलिस का भी व्यू मिलता है। और रात में आप जब आओगे यहाँ पे तब पूरा एलए लिट अप दिखता है लाइट से, तो वो भी ज़्यादा ज़्यादा सुंदर दिखता है। और ये है वो मेन बिल्डिंग ऑफ ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी। जैसे कि मैंने कहा फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन फिर भी कितने ज़्यादा लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, जस्ट टू चेक आउट द स्काई लाइन, द व्यूज फ्रॉम द टॉप और ऑब्वियसली द हॉलीवुड साइन। और भाई अभी मैं दिसंबर में आया हूँ, फिर भी इतनी ज़्यादा धूप है कि धूप चुभ रही है बॉडी को। एले से निकल गए लेकिन एले की धूप को नहीं भूले हम लोग। एले में जब भी आओ, कोई भी सीज़न में आओ, इतनी कड़क धूप होती है ना, समझ में नहीं आता इस धूप का क्या करें। अभी ये बंद है, फिर भी कितनी ज़्यादा हाइकर्स और ऑब्जर्वेटरी देखने के लिए जो भी टूरिस्ट आए, उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे अभी भी। और कुछ लोग यहाँ पे फ्रिस्बी खेल रहे हैं, कुछ लोग अमेरिकन फुटबॉल खेल रहे हैं। मस्त एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। और अभी तो ये तो बंद है 12 बजे तक, लेकिन अपन जाते हैं रूफ की तरफ टू सी ऊपर से और कैसा व्यू है। ऑब्जर्वेटरी का डोम, ये खुलता है, इसके अंदर होता है बड़ा टेलीस्कोप जिसका शो दिखाते हैं ये लोग। आई थिंक हर दिन 2-3 शो तो रहता है, एंड यू कैन जस्ट वॉच द कॉन्स्टलेशंस, वॉच स्टार्स एंड एवरीथिंग इन दैट शो। काफ़ी मस्त होता है। तो गाइज अभी देख के हो गया हमारा ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी। देख के मतलब अंदर तो नहीं गए थे ऑब्वियसली क्योंकि बंद था, लेकिन बाहर से व्यूज़ वगैरह काफ़ी इन्जॉय किए। हॉलीवुड साइन जो कि प्राइमरी लोकेशन होता है यहाँ पे, और एलए आए और हॉलीवुड साइन नहीं देखा तो फिर इसका मतलब एलए नहीं आए हो, दैट काइंड ऑफ सीन है ये। तो हॉलीवुड साइन के साथ फ़ोटो भी खींच लिए, हॉलीवुड साइन भी देख लिया। मम्मी कैसा लगा हॉलीवुड साइन देख के, ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी देख के? अच्छा लगा। और कुछ बोलना चाहेंगे किशन के बारे में? इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो देखा वो अच्छा लगा। यस, मम्मी ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज़ देखती नहीं है, इसलिए कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड का ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं मम्मी को, लेकिन सीनरी वाइज काफ़ी सही लगा। अभी जाएंगे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, अभी पूरा डिसाइडेड नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जाएंगे बेवरली हिल्स रोडियो ड्राइव, जहाँ पे स्टार्स लोग रहते हैं, उनके घर होते हैं। आई थिंक जे लो, जेनिफर लोपेज और प्रियंका चोपड़ा, उन सब के घर वहीं पे होते हैं। आई एम नॉट टू श्योर, इतना तो मैंने सुना है, बट ऑब्वियसली उनके घर में तो नहीं जाएंगे चाय पीने, लेकिन बाहर से वो ड्राइव में अच्छे अच्छे हाउसेस होते हैं वो चेकआउट करेंगे। वो ड्राइव भी काफ़ी अच्छी होती है, और अभी क्रिसमस के वक्त तो काफ़ी ज़्यादा सजाई गई होगी, तो वो भी चेकआउट करेंगे। और उसके बाद ऑब्वियसली प्लान है सेंटा मोनिका जाने का, सो विल कंटिन्यू दैट फॉर द डे, एंड आई थिंक दैट शुड कवर मेन पॉइंट्स ऑफ व्हाट वी वांटेड टू विजिट इन एलए। ऑलराइट, तो अभी हम आ चुके हैं हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम की तरफ। और आपको अगर पता नहीं होगा वॉक ऑफ फेम क्या है, तो यहाँ पे ही है स्टार स्टडेड स्ट्रीट, जहाँ पे नीचे सबके स्टार्स लगे हुए, सारे हॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके। और यहाँ पे अपना स्टार होना एक ऑनर माना जाता है। यहाँ पे माइकल जैक्सन, मोहम्मद अली, सब बड़े बड़े अलग अलग फील्ड्स में जिन्होंने भी बड़ा काम किया है। अभी मैंने आपको दिखाया गाड़ी से उतर के थोड़ा बहुत वॉक ऑफ फेम, अभी उधर से ड्राइव करेंगे सीधा और जाएंगे रोडियो ड्राइव की तरफ, जो कि अनदर सीनिक ड्राइव है बेवरली हिल्स, जो कि काफ़ी फेमस एरिया। आप सबने सुना होगा, जब भी एलए का जिक्र होता है बेवरली हिल्स के बारे में लोग बोलते ही है, तो वहाँ पे जाके भी वहाँ पे सीन चेकआउट करेंगे। मैं भी वहाँ पे पहले कभी नहीं गया, कभी मुझे टाइम भी नहीं मिला, और पैंडेमिक की वजह से ज़्यादा मैंने एलए घूमा भी नहीं था, सो माई फर्स्ट टाइम एज वेल, and we'll go and find out how it is. ये रहा वॉक ऑफ फेम। हालांकि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ भी आपको ज़्यादा फेमस टाइप हैपनिंग नहीं दिख रहा होगा,
लेकिन रात में जब आप आओगे तब ये पूरा रोड लिट अप होता है, बहुत सारे लाइट्स वाइट्स लगते हैं हर जगह पे और काफी ज्यादा टूरिस्टी स्पॉट लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स पहन के आते हैं फोटोज के लिए. सो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन ये सब दिखता है आपको, उन लोग के साथ फोटो खींचने का $10-20 लेते हैं वो लोग. और काफी LA-ish वाइब आती है रात में, लेकिन ऑब्वियसली सुबह में हम लोग आए तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग को आराम से सारे स्टार्स देखने मिले. हम लोग ने चेकआउट किए, कुछ कुछ फेमस सुपर स्टार्स के भी स्टार हमें दिखे इस वॉक ऑफ फेम में. तो मम्मी अभी ये वॉक ऑफ फेम देखा आपने, सारे स्टार्स के नाम नीचे रखे थे फुटपाथ पे या फिर पेवमेंट जो भी बोलते हैं यहाँ पे, आपको कैसा लगा सब कुछ? नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगा. क्यों नहीं लगा? वो सब पेड़ दे के चलते है उसके ऊपर, तो मुझे तो अनकंफर्टेबल हो रहा था कि वो उसके ऊपर आ रहे स्टार है इसके ऊपर पेड़ कैसा दे दो, ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगा. क्योंकि हमारे यहाँ म्यूजियम वगैरह होता है ना, वो ऐसा होता है तो देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं है. मुझे ये उनका अच्छा नहीं लगा. मतलब तो मम्मी को कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा कि भाई स्टार्स के नाम इतने फेमस लोग को अपने जमीन पे रखा है और उनके ऊपर अपन चलते हैं. और ये राइट साइड में है अभी बेवरली हिल्स का एरिया, जहाँ पे मैंने बोला था काफी फेमस फेमस लोगों के घर है और काफी एक्सपेंसिव और पॉश एरिया है ये, इसलिए आप देख सकते हो ड्राइव भी काफी सुंदर है. अभी जस्ट बेवरली हिल्स के इधर फोटोशूट करके थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके अभी हम जा रहे हैं वापस अपनी कार की तरफ. और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्पॉट्स जो प्लान किए थे वो कवर हो चुके हैं. अभी जाएंगे सेंटा मोनिका पियर जो कि हमारा लास्ट स्टॉप है एले जर्नी का, और फिर उधर थोड़े बहुत व्यूज़ एंजॉय करके थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर देंगे. सो सी यू गाइज एट सेंटा मोनिका. तो अभी आ चुके हैं हम सेंटा मोनिका पियर जो कि काफ़ी फेमस पियर है एले का. एक बार मैं मेरी कज़न के साथ आया था यहाँ पे जब वो फर्स्ट टाइम विजिट कर रही थी एले, सो शाउट आउट टू स्वप्नाली ताई. एंड उसके बाद मैं आया था मेरे दोस्तों के साथ जब हमारा फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था हम सबको, तो हम लोग कार रेंट करके सेंटा मोनिका पियर आए थे 2021 में. सो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे 2 साल के बाद. एंड obviously if you're visiting LA this is obviously a must visit spot. इधर भी as I said बहुत ज़्यादा टूरिस्टी स्पॉट है, काफ़ी happening vibe होती है and लोग यहाँ पे इस गेट के सामने खड़े रह के पिक्चर्स खींचते हैं. एंड now we'll go towards the parking. Oh, public parking. तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं सेंटा मोनिका पियर. जो आपने अभी कार में से देखा था गेट, वो सीधा मेरे पीछे है, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है एकदम छोटा छोटा. और हम लोग ने अदर पार्किंग, पब्लिक पार्किंग यूज़ की, तो उधर से एक नॉर्थ एंट्रेंस का छोटा गेट आता है, उधर से हम लोग ने एंट्री की. तो पूरा ऑल द वे फ्रॉम देयर चलने का ज़रूरत नहीं पड़ा. और अभी हम लोग आ चुके हैं सेंटा मोनिका और आपको दिखाते हैं कुछ दृश्य यहाँ के. ये लग रहा है एलए में दिसंबर है, बिल्कुल भी नहीं, पूरी तरह से गर्मी है. मतलब टेम्परेचर तो 24 डिग्री सेल्सियस है और बहुत ज़्यादा गर्मी है. सब लोग पूरा समर वाइब्स एंजॉय कर रहे हैं, सर्फिंग चालू है, बीच में लोग नहा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, सनबात कर रहे हैं, काफ़ी सही. Yo, everybody say Aussie, Aussie, Aussie! Oi, oi, oi! Australia, thank you. LA, one more time, that's an amazing donation, thank you. और ये आ गए हम लोग सेंटा मोनिका पियर के एंड में, और
जैसा कि आपने देखा पूरी वीडियो में बहुत सारे शॉप्स है बीच में, बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट अपना पेंटिंग और अपना कलेक्शन बेचने के लिए यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस डांसिंग परफॉर्मेंस भी देते हैं, एंड दिस इज काइंड ऑफ द एंड ऑफ द पियर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पैसिफिक ओशन, और जब हम यहाँ पे पैसिफिक ओशन का व्यू एंजॉय कर रहे थे मैं और पापा, मम्मी हमारी बैठी है ऊपर एकदम आराम फरमाते हुए। अभी जस्ट पियर देखने के बाद पापा ने कहा थोड़ा बहुत पानी में भी जाते हैं, देखते हैं पानी का सीन कैसा है, कितना ठंडा है कितना नहीं है। तो अभी मैं और पापा जा रहे हैं थोड़ा बहुत पानी में अपने पैर भिगोने या फिर एंजॉय करने पानी। मम्मी का ज़रा भी मूड नहीं था, मम्मी बैठी है कार में रिलैक्स कर रही है, पुराने फ़ोटोज़ देख रही है हमारे ट्रिप के। तब तक हम लोग जाके थोड़ा मस्ती करते हैं पानी में। और ये हम आ चुके हैं बीच के पास, पानी के पास। पापा आपको अंदर जाना है पानी के अंदर? जाएंगे उधर थोड़ा फोटो वीटो निकालेंगे। यस यस, कैसे लगते वो देखने का, और जैसा हाँ एकदम जूहू चौपाटी जैसा, जूहू चौपाटी जैसे। ये भाई फुल ठेले वाले दिख रहे हैं, घंटी बजा के आइसक्रीम वाइसक्रीम बेच रहे हैं, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बेच रहे हैं, फुल जूहू चौपाटी वाइब्स, कुछ भी फर्क नहीं है, एकदम मस्त। तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने देखा अभी हम लोग जस्ट थोड़ा बीच के पास वॉक करके आए मैं और पापा, मम्मी तो बस गाड़ी में ही बैठी थी, जय माता दी, और मम्मी गाड़ी में ही बैठी थी। और अभी हम लोग निकल रहे घर के लिए, तो आप देख सकते हैं अभी मैंने घर का एड्रेस डाला है तो 5:57 मतलब ऑलमोस्ट 9 बजेंगे हम लोग को घर पे पहुंचने के लिए, वो भी नॉन स्टॉप। और हम लोग के ऑब्वियसली 2-3 स्टॉप तो होंगे, रेस्ट रूम स्टॉप और फिर खाना वाना इधर उधर, कुछ भूख लगी तो फिर आई थिंक रात को घर पे पहुंचने के लिए बजने वाले हैं ऑलमोस्ट 9:30। तो इसलिए इतना लेट होने वाला है और अभी थोड़ी 2 घंटे में अंधेरा भी हो जाएगा। और ये सारा जो रोड है वो आपने पहले से ही रोड ट्रिप के वाले व्लॉग में देख ही लिया है, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करने वाला। तो इस व्लॉग का करते हैं हम यहीं पे समाप्त, और आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग भी बाकी सारे व्लॉग्स की जैसे अच्छा ही लगा होगा। एलए के ही लोकल 2-3 स्पॉट्स हम लोग ने कवर किए आज, और अभी बस रोड ट्रिप है वापस गोइंग बैक टू होम। बट एज ऑलवेज अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, बाय बाय, बाय बाय।